सो जी हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो जैसा आपने देखा दैट राइट नाउ वी आर इन चियांग माई, वी आर इन द ओल्ड सिटी ऑफ चियांग माई अप इन द माउंटेन्स ऑफ थाईलैंड, नॉर्थ थाईलैंड में। और आज हम आपको एक अपने साथ छोटे से एक चियांग माई टूर पे लेके चलेंगे जिसमें विल शो यू ऑल द बेस्ट थिंग्स टू डू इन चियांग माई इन 2024। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूँ भाई, यहाँ पे है अभी गर्मी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। राइट नाउ इट इज़ 39 डिग्रीज, बट इट्स ब्यूटिफुल। इफ़ यू हैव नॉट बीन टू चियांग माई, ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप चियांग माई को अपने थाईलैंड आइटनरी का डेफिनेटली पार्ट बना सकते हो एंड यू फाइंड द रीज़न वाई इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम आए हैं यहाँ के एक टेम्पल को विजिट करने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दिस टेम्पल इज़ कॉल्ड वात फ्रा सिंह। और अभी हम आपको इस टेम्पल के अंदर ले चलते हैं एंड वी गिव यू अ नाइस टूर ऑफ दिस टेम्पल एंड शो यू वाई दिस टेम्पल इज़ सो फेमस। चलिए जी, ओके जी, लेट्स गो। सो ये बहुत ही बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। इमेजिन, आई थिंक ये एक लौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पे हमने लिटरली स्टोर्स देखे हैं बने हुए। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिटरली शॉप्स बना रखी हैं और प्रॉपर वहाँ पे सारे मॉन्क्स के रहने के लिए रेजिडेंशियल स्पेस भी है। किसी भी टेम्पल में यहाँ पे एंट्री करने से पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर वेयरिंग। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे जो भी लोग अंदर जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे अपने आपको कवर अप करके जाते हैं। एंड वही हमारा ये प्लान है, यू हैव टू टेक योर शूज़ ऑफ हेयर। टिकट ओके, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे एंट्रेंस पे यू हैव टू पे फॉर टिकट आल्सो। ओके, थैंक यू, जस्ट वन हियर, थैंक यू पप्पू का। आप ओके 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 थैंक यू, बट आई विल जस्ट बी वेरी माइंडफुल नॉट टॉक वेरी लाउडली। और आपको पता नहीं होगा बट ये टेम्पल जो है यहाँ पे दिस टेम्पल हैज़ बीन गिवन रॉयल टेम्पल टाइटल। तो इस चक्कर में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है एंड यू विल सी लॉट ऑफ मॉन्क्स है प्रेइंग। सो ये वाला जो स्पेस होता है आप जो लेफ्ट में देख रहे हो मेरे, ये मॉन्क्स के प्रे करने का स्पेस होता है। हमारे यहाँ पे डोनेशन बॉक्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे डोनेशन बॉक्स बने हुए हैं और साथ में क्यूआर कोड भी लगाया है इफ़ एनीबडी वांट्स टू पे डिजिटली, तो वो भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो इन्होंने प्रॉपर मार्केट बना रखा है, यहाँ पे आप आके प्रॉपर शॉपिंग कर सकते हो। बट ये मोस्टली थ्रिफ्ट शॉपिंग है, सस्ता स्ट्रीट शॉपिंग। आपको कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेने हैं, कुछ ऐसे सुविनर टाइप लेना है तो वो यहाँ से आके आप ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी मच चीपर इफ़ यू बाय थिंग्स फ्रॉम हेयर एज कम्पेयर टू बैंकॉक। पोकेमॉन्स, पोकेमॉन मिल रहा है यार मंदिर कॉम्प्लेक्स में। हाउ डू यू ओपन दिस? डोंट ओपन, बिकॉज इफ़ यू ओपन विल हैव टू पे। आप इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अंदर आ सकते हो और आने के बाद अपने हिसाब से ये शॉपिंग वगैरह कर सकते हो अगर आपको टेम्पल के अंदर नहीं जाना है। बट अगर आपको टेम्पल के अंदर जाना है तो आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी विच इज़ अराउंड 20 baht, जो कि स्टिल एक्सट्रीमली चीप। एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस टेम्पल इफ़ यू आर इन चियांग माई। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन थाईलैंड, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो उसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। लाइक आई सेड, इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को ऑफिशियल टेम्पल, रॉयल टेम्पल का जो डिजिग्नेशन है वो दिया था किंग रामा 8 ने इन ईयर 1930s के आसपास। तो और यहाँ पे जो किंग थे जिन्होंने इसको बनवाया था अराउंड 1300 AD में, किंग का नाम था, किंग थे मंगराई डायनेस्टी के। ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं घुसूंगा, आप थोड़ा अपने हिसाब से रिसर्च करना, बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ। बट एनीवेज, दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको हर कोई दिखेगा अपने हाथ में कैमरा लिए, जस्ट लाइक मी, अलग अलग एंगल से वीडियोज़ बना रहे हैं और कुछ ना कुछ शॉर्ट्स ले रहे हैं। बट अगर आपको इस टेम्पल में आना है ना, तो आइदर कम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 6 to 8 और 7 to 8, या फिर आप सनसेट के आसपास आओ। बहुत ही सुंदर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इट्स ब्यूटिफुल। तो ये एक और टेम्पल कॉम्प्लेक्स का ही एक छोटा सा और टेम्पल है, वो मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बुद्धा की मूर्ति है, ये भी एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। इन सब का जो एंट्रेंस है वो आपका एक 20 baht की टिकट में ही इंक्लूडेड है। आप पूरे कॉम्प्लेक्स में किसी भी ये सारे पगोड़ा में से किसी में भी एक में जा सकते हो। यार अगर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आ गए हो तो अंदर विज़िट करना तो ज़रूरी है।
तो जी, इस टेंपल के अंदर जैसा आपने देखा, अभी मैंने ज़्यादा कुछ बातें नहीं करी इस बारे में, बिकॉज़ अंदर मैं थोड़ा सा शांति ज़्यादा थी और लोग प्रे कर रहे थे। बट इस टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसके अंदर स्पेशली वैक्स की स्टैचूज पड़ी हैं सारे गुरुज की जो थे, और इतना लाइफ साइज बना रखा है ना उन्होंने पूरा, मतलब इट लुक्स रियली अमेजिंग टू सी। इसी के बारे में हमें भी पता चला था, तो यही एक बहुत फेमस चीज़ है जो देखने की है यहाँ पे। तो इफ़ यू आर हेयर इन चियांग माई, यू शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट दिस प्लेस। दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मस्ट विजिट्स इन चियांग माई। बट अभी हम चलते हैं एक और कैफ़े की तरफ, बिकॉज हमें उस कैफ़े में अपनी जो व्लॉग आ चुकी है इससे पहले उसको अपलोड करना है, जो आप देख चुके होंगे। तो उसको अपलोड करने के लिए हैव टू गो टू दिस कैफ़े। ये कैफ़े का नाम है वीक डे कैफ़े, यहाँ से वॉकिंग ही है एंड बहुत सही है। रीज़न बीइंग उनका इंटरनेट तो बहुत अच्छा है, बट एनी वेयर यू गो इन चियांग माई यू विल फाइंड अमेजिंग कैफेज, अमेजिंग कॉफ़ी। यहाँ पे कॉफ़ी और कैफ़े का बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। तो चलें जी फटाफट उधर जी, हम उनके इंटरनेट का फ़ायदा उठाने वाले हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप चियांग माई आ रहे हो, देन ट्रस्ट मी, हर दूसरे गली में आपको एक कैफ़े नज़र आएगा। वैसे ही कैफ़े के बारे में हमें पता चला, जिसका नाम है वीक डे, जहाँ पे हम आए हैं अभी, और हम यहाँ से अपनी कल की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो आप आई एम श्योर देख चुके हो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो चेक करो। इट्स आर रोड ट्रिप फ्रॉम बैंकॉक टू चियांग माई, एंड हमने सारा जो खाना मंगाया हुआ है, जो आप देख रहे हो अभी टेबल पे, यू विल बी शॉक टू नो हाउ मच वी पेड फॉर इट। सो ये जो पूरा आइटम है, उसमें एक प्रॉपर सैंडविच है, कॉफ़ी है, दो कॉफ़ी सैंडविच, डैनिश रोल, इसका हमने पे किया है जस्ट 280 बात, जो कि ऑनेस्टली थाईलैंड और बैंकॉक के अगर आप कॉस्ट से इसको कंपेयर करोगे, दिस इज़ सुपर चीप। सो डेफिनेटली चियांग माई आओ, ट्रस्ट मी, विल नॉट रिग्रेट इट। अभी फटाफट वीडियो अपलोड करता हूँ, कुछ खाते हैं, देन विल सी यू आउटसाइड। काफ़ी अच्छा स्पीड है तो इसलिए हम यहाँ पे आके बैठ गए हैं, बट लकीली द फूड इज़ ऑल्सो गुड। तो आई थिंक 10 मिनट्स मोर एंड फिर चलते हैं हम। तो जी हम आ गए हैं आफ्टर दैट कैफ़े टू विजिट दिस ब्यूटिफुल टेम्पल, दिस इज़ कॉल्ड वाच छेदी लुआंग। और अगर आप देखोगे ना, तो आई थिंक चियांग माई में दो टेम्पल्स हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक है वात फ्रा सिंग और दूसरा है वात छेदी लुआंग। हम आए हैं वात छेदी लुआंग में, और वात छेदी का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो है इसके पीछे का वो जो एक बना हुआ है ना वात, जैसे वहाँ पे एक अंकोर वात में रुइंस टाइप का है, वो भी ऑलमोस्ट 700-800 साल पुराना है। बट यहाँ पे हमने कार हमारी पीछे पार्क कर दी है वहाँ पे, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग इनसाइड दिस टेंपल कॉम्प्लेक्स का जो ऑफिस एरिया, बिकॉज वी हैव टू गेट टिकट्स फर्स्ट। तो पार्किंग हमारे को मिल गई ईजिली, एंड आई थिंक पूरे चियांग माई में ना ये सबसे बड़ी सही चीज़ है, दैट यू कैन ईजिली रेंट अ कार फॉर योर सेल्फ एंड देन ड्राइव ऑन योर ओन विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट टैक्सी और एनीथिंग। यहाँ पे ग्रैब वगैरह भी चलता है, जस्ट FYI, यू कैन ईजिली गेट अ ग्रैब। जैसे फुकेत क्राबी में ग्रैब नहीं है, बट यहाँ पे ग्रैब है जी। ये है एडल्ट्स के लिए 50 बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड चिल्ड्रन शॉर्टर देन समथिंग 135 सेंटीमीटर उनके लिए 20 बात 60। ओके थैंक यू खतम खाब। तो जी एंट्री टिकट जो है इस टेंपल में विज़िट करने के लिए, दैट इज़ 50 बात फॉर फॉरनर्स। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे उन्होंने बना रखा है यार, आई मस्ट से। और ये तो इन्होंने नया टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाया है जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल जो है जो वात छेदी लुआंग जो फेमस है, दीज आर द रुइंस बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है एंड ऑलमोस्ट 700-800 साल पुराना है यहाँ पे। काफ़ी पीसफुल और काफ़ी बढ़िया वाइब्स आते हैं व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड इन दीज टेंपल्स। और अभी हमारा प्लान है कि हम अपनी कार को पार्क करेंगे हमारे होटल में, एंड देन वी जस्ट गोना वॉक अराउंड इन दी ओल्ड टाउन, बिकॉज चियांग माई जो है ना, इट इज़ फेमस फॉर टेंपल्स। जैसे हमारे यहाँ वृंदावन मथुरा में आपको हर घर में एक टेंपल मिलेगा, वैसे यहाँ पे भी हर गली में आपको एक टेंपल नज़र आएगा, एंड वही हमारा प्लान है। आर यू टायर्ड? नो। तो गाड़ी से तो हम घूम रहे हैं, बट हमें लगता है कि अगर हम वॉक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वी कैन शो यू सम हिडन स्पॉट्स एज वेल। तो इसलिए हम अपनी गाड़ी जाके वापस होटल में पार्क करेंगे, एंड देन वी विल वॉक अराउंड द सिटी। यप, लेट्स गो। तो जैसे ही हमने गाड़ी पार्क करी, हमारे रिसेप्शन से जो अभी रिसेप्शनिस्ट हैं करंटली, उनसे मेरी काफ़ी देर बात हो रही थी रूम में हमारे, और उन्होंने हमें एक जगह बताई जो उन्होंने बोला कि ये इट्स लाइक अ हिडन जेम इन चियांग माई, दिस टेंपल यू शुड डेफिनेटली विजिट। अभी काफ़ी गर्मी हो रखी है चियांग माई में, बट ये कह रहे हैं कि यूजुअली इस टेंपल में अच्छा खासा वेदर होता है, लाइक प्रॉपर ठंड होती है। दिस इज द कोल्डेस्ट टेंपल इन थाईलैंड। तो अभी इन चियांग माई।
सो उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो, नहीं टेंपल रात को 8 बजे तक खुला होता है। तो हमने बोला कि भाई ये तो सही है, लोकल रिकमेंडेड है, तो विल डेफिनेटली गो। सो अब हम निकल रहे हैं उस टेंपल के पास जाने के लिए। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का रास्ता है, 20 से 25 मिनट लगेंगे। सो या लेट्स गो। स्लाइट चेंज इन प्लान्स, बट ठंडी जगह है तो इसलिए व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। गोल्डन आवर। सो जी मैंने सोचा आपको रस्ते में वाइट वी आर गोइंग टू दिस टेंपल विच इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ जाके बताऊंगा। वैसे वात उमोंग करके है पूरा नाम। तो जी अगर आप हमारी तरह बैंकॉक से ड्राइव करके नहीं आ रहे हो, आप यहाँ पे फ्लाइट से आ रहे हो या फिर ट्रेन से आ रहे हो, तो आप इजीली अपने लिए यहाँ पे कार या फिर बाइक बहुत इजीली रेंट कर सकते हो। इनफैक्ट आई वुड से इट इज़ मच ईजियर टू रेंट हेयर देन इन बैंकॉक। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और रेंट जो है वो टू व्हीलर का स्टार्ट हो जाता है अराउंड 200 से लेके 400 बात के बीच में। आप मेक श्योर दैट यू डोंट गिव योर पासपोर्ट एज अ डिपॉजिट, आप कैश दे रहे हो सबसे अच्छा है। बाकी आपको बहुत केयरफुल रहना है व्हेन यू आर ड्राइविंग अराउंड हेयर, बिकॉज मोस्टली सारे जो भी इंश्योरेंस होते हैं इसमें वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही होते हैं। वो भी अगर आप इफ़ यू आस्क फॉर इट देन यू विल गेट इट। एंड एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे चियांगमाई ओल्ड सिटी में आपको बहुत सारे ऐसे पुलिस के स्टॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आपको रोक करके प्रॉपर आपके चालान काटेंगे अगर आपके पास लोकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है तो आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो, राइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू शुड नो हाउ टू कन्विंस द पुलिस पर्सन कि भाई ये वैलिड है, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना। एंड सेकेंडली आप जब भी टू व्हीलर चला रहे हो प्लीज़ डोंट लुक एट द लोकल्स कि भाई वो बिना हेलमेट पहन के चला रहे हैं तो आप भी चला सकते हो। ये गलत फहमी मत पालना, बिकॉज यहाँ पे लोकल्स को जो रूल्स हैं काइंड ऑफ वो अप्लाई नहीं करते हैं फॉर फॉरनर्स। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस वाइल राइडिंग हेयर। मेक श्योर कि आप अपना हेलमेट वगैरह लगा के प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ही चलो हर वक्त। जी हम आ गए वात उमोंग। ये काइंड ऑफ अ हिडन जेम है, आई मस्ट से दैट बिकॉज इसके बारे में अगर आप सर्च भी करते हो ना अगर चियांगमाई में आने के बाद, तो यू विल नॉट फाइंड लॉट ऑफ टेम्पल्स सजेस्टिंग, लॉट ऑफ ब्लॉग्स और वीडियो सजेस्टिंग यू अबाउट दिस टेम्पल। तो हमें बेसिकली एक लोकल ने बताया तो हम यहाँ पे आ गए। इस टेम्पल की खासियत यह है कि बहुत ही बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। लिटरली गाड़ी से हम आए हैं और यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग भी है। एंड इस टेंपल के बारे में कहते हैं कि चियांगमाई का सबसे ठंडा टेंपल है। खैर अभी गर्मी चल रही है तो अभी उतना ज़्यादा हमें फील नहीं हो रहा, बट यूजुअली अगर आप यहाँ पे आओगे तो चारों तरफ आपको ऐसे जंगल वगैरह ये सब नज़र आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाया है इन्होंने। I've seen a monk sweeping for the first time, पहली बार झाड़ू लगाते हुए देखा है मैंने। हाँ बड़े तरीके से एफर्टलेसली इज डूइंग इट। यहाँ पे फिश फीडिंग का भी एक प्रॉपर बना रखा है, कुछ 10 भात आपको आप पे करना होता है एंड देन यू गेट दैट प्रॉपर बड़ा सा पॉन्ड है, वहाँ पे आप जाके फिशेस को खाना खिला सकते हो। पगोड़ा सामने की तरफ है तो आइए जी चलते हैं पगोड़ा में। अभी तक हमें एंट्रेंस टिकट तो कहीं नहीं मिली है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ ना कोई प्रेयर हो रही है। हम फटाफट भाग के जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सनसेट हुआ है अभी अभी, जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है इधर। पे वॉक करते हुए मिली गणेश जी की मूर्ति, और गणेश जी को यहाँ पे बोलते हैं वात फ्रा पिकनेत, और काफ़ी ज़्यादा पूजा होती है गणेश जी की यहाँ पे। सो बिफोर गोइंग इनसाइड यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, ओह वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे अपने शूज़ आपको हाथ में लेने होते हैं, प्लीज़ टेक योर शूज़ ऑफ। तो जी मेरे को भी अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे, चलिए वॉक करिए। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, शूज़ उतार रहा हूँ। क्या खूबसूरत मूर्ति है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये टूर कंपनीज हैं इन्होंने लिटरली रास्ता घेर लिया कि एक छोटा सा केव में इन्होंने रास्ता बना रखा है और हम इसी को भी क्रॉस करके जा रहे हैं दूसरी तरफ। और जो टूर चल रही है ना तो हम इंग्लिश में वो दे रहे हैं टूर, तो हमें समझ में आ रहा है इट्स अ फ्री टूर प्रॉपर ना, मतलब सर बचा के मानो। तो ये जो केव्स बना रखे हैं इन्होंने लिटरली, और बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है।
दिख रहा है कि इसका रेस्टोरेशन वगैरह इन्होंने काफी अच्छे से किया हुआ है. द ओनर ऑफ द थाना, द रियल ओनर. या ओली ओ मानो वो देख पे में बैट नजर आया जो सो रहा है. दिया था यार इन्होंने ये छोटा सा ही केव टाइप बना रखा है यहाँ पे. यार एक चीज मेरे को जरूर बोलनी है. क्या बोलो? कि यार मतलब हमारे इंडिया में भी ना मंदिरों में जो बोल दो लोग मान लेते हैं, तो इन्होंने भी अभी कुछ ऐसा बोला कि मुझे जरूर शेयर करना है. तो वो अपने गाइडेड टूर में बोल रही हैं कि जो बैट है ना वो भी सो रहे हैं, और वो ना चिकन मीट नहीं खाते हैं. जब वो उठेंगे ना तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे वो वेजिटेरियन. यार ये ज़्यादा हो गया दीदी. जी शूज़ पहना जाए फटाफट एंड लेट्स जस्ट गो फिगर आउट कि भाई वो फिश फीडिंग वाली जगह कहाँ पे, एंड देन वी विल हैव समथिंग टू ईट. बहुत काफ़ी भूख लगी हुई है, कुछ खाते हैं एंड आपको भी ले चलते हैं. चलिए जी. तो जी यहाँ मंदिर के बाहर हमारे डॉगी भाई साहब बैठे हैं जो हड्डी खा रहे हैं. तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो ओवरऑल एक्सेप्टेंस जिसकी बात मैं करता हूँ, यहाँ पर कल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है हर चीज़ को लेके. बैट यहाँ पर सब्जी खाते हैं पर कुत्ते खा लेते हैं हड्डियाँ. तो जी हम आए वापस वात उमोंग से, हमने कार पार्क करी, वी गॉट फ्रेश, और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए यार. बिकॉज हमने ऑनेस्टली मतलब सुबह से तो हमने अभी कुछ भी नहीं खाया हुआ और लिटरली काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है. यू रिमेंबर हमने यहाँ पे मसाज करवाई थी लास्ट टाइम, क्योंकि उसके सामने ही था होटल. दिस वाज लास्ट टू लास्ट टाइम आई थिंक. या सो एक्चुअली चियांगमाई का जो ओल्ड सिटी का एरिया है ना, ये बहुत ही सही है और मतलब बहुत ही छोटा सा ऐसे कॉम्पैक्ट सा बना हुआ है. आपको मसाज शॉप, बाइक रेंटल, टूर्स, इसके हर तरफ ऐसे जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो ऐसे बहुत सारे शॉप्स आपको हर तरफ दिखेंगे यहाँ पे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार बाइक रेंटल का कैसे करना है क्या करना है. मतलब बहुत इजीली, मतलब हर दूसरी दुकान बाइक रेंटल या टूर एजेंसी की है यहाँ पे. तो जी हम बेसिकली हमारे यहाँ का जो मकसद है ना पूरा घूमने का वो है टू शो द यू नो द रियल साइड ऑफ चियांगमाई. रीज़न बीइंग कि चियांगमाई इज़ मच मच चीपर एज़ कम्पेयर टू बैंकॉक. अगर आप काफ़ी टूरिस्टी रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें बहुत ही एक्स्ट्रा रेट्स में मिलेंगी, बट अगर आप लोकल ऑथेंटिक थाई रेस्टोरेंट्स में या फिर छोटे छोटे कैफ़ेज़ में जाओगे जो कि बहुत ही एस्थेटिकली बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, यू विल रियली फाइंड गुड प्राइसेस एंड दैट्स व्हाट आवर एम इज़. सो जी वॉक करते करते हमें यहाँ पर ये कैफ़े मिला. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस होम मेड पिज़्ज़ा स्टोर जो हमें यहाँ पर नज़र आया, एंड दिस इज़ कॉल्ड वाई पिज़्ज़ा. तो हमने सोचा कि वाई नॉट. तो जी हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है जो कि वैसे तो काफ़ी सही लग रहा है देखने में, एंड अब टेस्ट करके ही बताएंगे. एंड दिस इज़ बाय द वे होम मेड इंटायरली और ऑर्गेनिक कुछ तो है इनका जो वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था. अब हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स एंड ये हमारा गोज़ा एंड कॉफ़ी हम 7-Eleven से ही ले आए. ये दोनों देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, सही काफ़ी लग रहा है. इतना सॉफ्ट है यार ये, अच्छा है ना देखने में, इतना अच्छा लग रहा है. तो जी मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था. चियांगमाई में लिटरली आपको गली गली में ऐसे बढ़िया बढ़िया कैफेज मिलेंगे. ओह सो जी वी हैव हैड आवर पिज़्ज़ास. मैं आपको एक बड़ा फन फैक्ट बताता हूँ अबाउट चियांगमाई. तो चियांगमाई जैसा मैंने बताया पहले भी आपको कि चियांगमाई इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सिटी इन थाईलैंड, और चियांगमाई की ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 1.2 मिलियन पीपल. सो इमेजिन इतनी बड़ी सिटी. एंड ये सिटी का एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो इसकी एलिवेशन है, इसका एलिवेशन अराउंड 300 मीटर्स के आसपास का है. काफ़ी अंधेरे में आ गए हम लोग नाइट मार्केट ढूंढते ढूंढते. कुछ नहीं था तो अभी तक कुछ नहीं था, और सडनली हमने यहाँ से राइट लिया और एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी सी एक नाइट मार्केट आ गई, जो कि मोस्टली यहाँ पे हमें फॉरनर्स ही नज़र आ रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट मैं आपको सोचा कि अंदर जाने से पहले हम भी एक चीज़ आपको फ़न फैक्ट बता दें कि हमने इतना बैंकॉक में भी नहीं फील किया है जितना हम यहाँ पे फील कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप अगर वॉक कर रहे हो ना स्ट्रीट्स पे, लोकल से ज़्यादा आपको फॉरनर्स नज़र आएंगे. इतने ज़्यादा यहाँ पे फॉरनर्स आते हैं. 9 out of 10 पीपल आर वाइट फोक्स. एग्जैक्टली, आई मीन बहुत ज़्यादा. एंड दिस इज़ आई डोंट नो, आई मीन दिस इज़ स्ट्रेंज, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, यू डिसाइड. एक्चुअली दैट्स बिकॉज चियांगमाई इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एज दे से इन देयर ओन वर्ड्स, बिकॉज बहुत सेफ है, बहुत चीप है, एंड बैंकॉक से लेस क्राउडेड है. सो व्हाई नॉट. अगर आप थाईलैंड में हो ना तो और आपको ये वाला जो साइन जो है ये नज़र आ जाए, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे तो यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन मिलता है, नॉट इवन वेज. सो इट्स अ गुड थिंग.
Can I take one scoop of that? Of the lemon? Lemon, yes. Kaisa? Very unique. So this is lemon cheesecake. लेमन भी है, चीज़केक भी है, स्वीट भी है, टैंगी भी है, भाई सब कुछ है. बट चियांगमाई स्टैंडर्ड से थोड़ा सा महंगा है, बट ठीक है. दिस वॉज 99 baht, बट प्रीटी गुड. तो जी, ये हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस था और स्पेंडिंग एन एंटायर डे इन चियांगमाई. आई होप यू लाइक डेट. और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट डाउन बिलो. बहुत सारी चीज़ें और हम दिखाने वाले हैं आपको इस पूरी सीरीज़ में, बहुत सारी और जगह जाने वाले हैं. अभी के लिए फिलहाल मैं एंजॉय करता हूँ अपनी आइसक्रीम. जीप लप लप आ रही है, तो जीप लप लप आ रही है, आप ही बोलो. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर यहाँ तक देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ. बहुत सारे और वीडियोज़ आने वाले हैं हमारे चैनल पर. एंड इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो. कॉमेंट करो कोई क्वेश्चन है, अगर कोई जगह है जहाँ आप चाहते हो हम जाए, हम आपको दिखाएँ. सो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. We'll see you very, very soon. Bye-bye.